बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ जी बेटा, लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 10.4 जो थी वो हाफ कर ली थी। क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 4 से मैं अब स्टार्ट करने लगी हूँ इसको। तो हमने पढ़े थे उसके अंदर फार्मूलाज प्रोडक्ट से सम और डिफरेंस कन्वर्ट करने के लिए, फिर सम और डिफरेंस से प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए। तो यहाँ पर आपने ना कुछ उन्होंने हमें दे दिए हैं प्रूफ करने के लिए, आइडेंटिटीज़ तो नहीं कहेंगे इसको, प्रूफ करने के लिए स्टेटमेंट्स दे दिए हैं। तो ऑब्वियसली हम इसमें लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड लेकर क्या है, कॉस 20 डिग्री प्लस कॉस 100 प्लस कॉस 140 डिग्री। जो आपके पास फार्मूलाज हैं सम टू प्रोडक्ट, उसमें दो दो की टर्म्स हैं, जैसे कॉस बी प्लस कॉस क्यू, साइन बी प्लस साइन क्यू, कॉस बी माइनस कॉस क्यू, इस तरह करके दो दो टर्म्स पे वो फार्मूला लगता है। तो हम पहले ये दो टर्म्स लेते हैं, इन पे फार्मूला लगाते हैं, ठीक है। कॉस बी प्लस कॉस क्यू इज इक्वल टू ये वाला माइनस टू साइन बी प्लस क्यू बाई टू, साइन बी माइनस क्यू बाई टू। तो ये फार्मूला इसके ऊपर मैं लगाती हूँ, माइनस टू साइन पी प्लस क्यू बाई टू, उसके बाद साइन पी माइनस क्यू, यानी कि 20 माइनस 100 बाई टू, ठीक है। और साथ में आ गया कॉस 140 डिग्री, ठीक हो गया। अच्छा अब यहाँ पे सॉरी थोड़ी सी मिस्टेक ये हुई है, ये दोनों कॉस हैं, इस पे फार्मूला लगना है कॉस पी प्लस कॉस क्यू, ये वाला, ठीक है। वो ये लगा दिया था, ये वाला फार्मूला लगना है। तो टू कॉस पी प्लस क्यू बाई टू, कॉस पी माइनस क्यू बाई टू एंड प्लस कॉस 140। टू कॉस ये आपके पास हो गया 120 ओवर टू, कॉस माइनस 80 ओवर टू प्लस कॉस 140 डिग्री। टू कॉस ये हो जाएगा 60 डिग्री और ये हो जाएगा कॉस माइनस 40। तो कॉस माइनस को ख़त्म कर देते हैं आप, इसको सिर्फ लिखो 40 प्लस कॉस 140। यहाँ पे आप वैल्यू पुट कर सकते हो कॉस 60 की, जो कि होती है 1/2 कॉस 40 प्लस कॉस 140। टू टू से कैंसिल, कॉस 40 प्लस कॉस 140। अगेन कॉस बी प्लस कॉस क्यू इज इक्वल टू टू कॉस पी प्लस क्यू बाई टू कॉस पी माइनस क्यू बाई टू। टू कॉस ये हो गया आपके पास 180 बाई टू विच इज 90 डिग्री एंड दिस इज माइनस 100 बाई टू माइनस 50, वो माइनस ख़त्म हो जाएगा। यहाँ से ये जो कॉस 90 है ना, इसकी वैल्यू ही, कॉस 90 इज़ ज़ीरो, इसकी वैल्यू ही इसको पूरा ज़ीरो कर देगी, विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। मैंने बस दो दो करके क्या लगाया, फार्मूला लगाया, और वो खुद बहुत वैल्यूज़ हमारे पास इस तरह की आती गई कि वो एंड पे आके ज़ीरो हो गया। ओके पार्ट नंबर टू, लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड है आपके पास साइन पाई बाय फोर माइनस थीटा, साइन पाई बाय फोर प्लस थीटा। अच्छा ये प्रोडक्ट है, इस पे लगेगा प्रोडक्ट टू सम और डिफरेंस वाला फार्मूला। तो पहले तो देख लो कि साइन और साइन वाला फार्मूला है कौन सा, ये वाला। इसके साथ आपको माइनस टू चाहिए, तो आप सबसे पहले माइनस टू मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा दो। ये वाला माइनस टू अंदर ले लेंगे इसके साथ, और ये वाला जो है ना इसे हम बाहर रखेंगे। ओके इसके ऊपर फॉर्मूला लगाते हैं, माइनस वन बाई टू बाहर रहेगा। इसके ऊपर फार्मूला जब हम लगाएंगे ना, तो ये आएगा कॉस अल्फा
प्लस बीटा, उसके बाद माइनस कॉस अल्फा माइनस बीटा, इसके साइन चेंज हो जाएंगे, ठीक है। मैंने फॉर्मूला लगाया है ये वाला, ओके। थीटा और थीटा कैंसिल, ये आपके पास बनेगा कॉस पाई बाय फोर, पाई बाय फोर आपके पास ये हो जाएगा, ये आपके पास बनेगा टू पाई बाय फोर विच इज़ पाई बाय टू, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखूँगी थीटा और थीटा कैंसिल, पाई बाय टू माइनस कॉस, यहाँ पे क्या आएगा पाई बाय फोर कैंसिल होगा और आपके पास वैल्यू आएगी माइनस टू थीटा, ये हो गया ज़ीरो। पाई बाय टू होता है 90 डिग्री और ये माइनस ख़त्म हो जाएगा इधर ही, ये बाहर नहीं आएगा, ये यहीं पे ख़त्म हो जाएगा, माइनस कॉस टू थीटा माइनस वन बाई टू माइनस कॉस टू थीटा इज़ इक्वल टू वन बाई टू कॉस टू थीटा इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। अच्छा जी, ये वाला क्वेश्चन काफ़ी सारे बोर्ड्स में आया भी हुआ है। लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, उसमें आपके पास वैल्यूज़ जो है ना वो फोर फोर वैल्यूज़ है ऊपर नीचे, तो आपने क्या करना है, आपने दो दो के ऊपर ना फार्मूला लगा देना, यानी कि इन दो के ऊपर फार्मूला लग जाएगा, इन पे फार्मूला लग जाएगा, इन पे और इन पे, साइन पी प्लस साइन क्यू, इस पे साइन पी प्लस साइन क्यू, इसके ऊपर कॉस पी प्लस कॉस क्यू, इन दोनों के ऊपर। हाँ जी, साइन पी प्लस साइन क्यू किसके इक्वल है, तो साइन पी प्लस क्यू बाय टू और उसके बाद कॉस पी माइनस क्यू बाय टू, ठीक है, राइट। ये मैंने फॉर्मूला लगाया है ये फर्स्ट टू वैल्यूज़ के ऊपर, उसके बाद सेम फार्मूला मैं नेक्स्ट टू वैल्यूज़ के ऊपर लगाती हूँ, साइन टू साइन फाइव थीटा प्लस सेवन थीटा बाई टू, उसके बाद आ गया जी कॉस, क्योंकि सम में तो हम सम से प्रोडक्ट वाले फार्मूले लगा रहे हैं, कॉस फाइव थीटा माइनस सेवन थीटा बाई टू। अब हम फार्मूला लगाते हैं जी नीचे, कॉस पी प्लस कॉस क्यू, कॉस पी प्लस कॉस क्यू इज इक्वल टू टू, ये वाला टू कॉस पी प्लस क्यू बाई टू कॉस पी माइनस क्यू बाय टू, टू कॉस पी प्लस क्यू यानी कि थीटा प्लस थ्री थीटा बाई टू और उसके बाद है कॉस पी माइनस क्यू बाई टू, प्लस सेम फॉर्मूला इधर भी लगेगा इन दोनों के ऊपर, टू कॉस पी प्लस क्यू बाई टू सॉरी फाइव थीटा प्लस सेवन थीटा ओवर टू, उसके बाद कॉस फाइव थीटा माइनस सेवन थीटा ओवर टू, राइट। अच्छा जी, यहाँ पे क्या बनता है, ये टू साइन फोर थीटा बाई टू, फोर और टू की कटिंग हो जाएगी टू थीटा, कॉस माइनस टू थीटा बाई टू, तो ये बनेगा माइनस थीटा, जो कि माइनस का साइन ख़त्म हो जाएगा, प्लस टू साइन ये है जी ट्वेल्व, ट्वेल्व बाई टू सिक्स, सिक्स थीटा, कॉस माइनस टू थीटा बाई टू, ये हो गया माइनस थीटा, ठीक है, और वो माइनस जो है वो ख़त्म हो जाएगा, इसको ऐसे थीटा ही लिख दो। अच्छा जी, नीचे क्या आएगा, टू कॉस फोर थीटा बाई टू टू थीटा, कॉस माइनस टू थीटा बाई टू, माइनस थीटा आएगा वो थीटा हो जाएगा, टू कॉस ट्वेल्व, वही कैलकुलेशन है जो ऊपर हुई भी है, और यहाँ भी क्या आ जाएगा, कॉस थीटा, कुछ वैल्यूज़ आपको कॉमन नज़र आ रही होंगी, जैसे कॉस टू कॉस थीटा इधर भी है, इधर भी है और नीचे भी, दोनों ऊपर नीचे क्या करो, टू कॉस थीटा कॉमन निकालो, तो क्या बचता है इधर साइन टू थीटा, और इधर क्या बचता है साइन सिक्स थीटा, और नीचे भी टू कॉस थीटा कॉमन, कॉस टू थीटा
प्लस कॉस सिक्स थीटा। ये दोनों वैल्यूज़ कैंसिल हो जाएंगी। अगेन आप इनके ऊपर फार्मूलाज लगाओगे, साइन पी प्लस साइन क्यू, सेम यही वाला फार्मूला लगेगा। ये वैल्यूज़ कैंसिल, टू साइन टू थीटा प्लस सॉरी पी प्लस क्यू बाई टू, उसके बाद कॉस पी माइनस क्यू बाई टू, और नीचे ये वाला फार्मूला लग जाएगा कॉस पी प्लस कॉस क्यू का, टू कॉस पी प्लस क्यू बाई टू, उसके बाद कॉस पी माइनस क्यू बाई टू। ठीक है, अच्छा इसके बाद क्या होगा, ये टू और ये टू कैंसिल, साइन एट थीटा बाई टू फोर थीटा, ये आपके पास माइनस फोर थीटा बनता है और माइनस फोर थीटा ओवर टू, माइनस फोर और टू की कटिंग होगी, ये देखो माइनस फोर थीटा ओवर टू ये आपके पास कटिंग होगी, माइनस टू थीटा बनेगा जो कि माइनस कॉस की वजह से ख़त्म हो जाएगा, सिर्फ कॉस टू थीटा। और नीचे क्या होगा, ये टू ऑलरेडी कैंसिल हो गया, कॉस एट थीटा बाई टू यानी कि कॉस फोर थीटा, और ये सेम कैलकुलेशन के बाद ये कॉस टू थीटा आ जाएगा, ये भी कैंसिल, साइन फोर थीटा कॉस फोर थीटा इज इक्वल टू टेन फोर थीटा विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर फाइव, ये हमें स्टेटमेंट दी हुई है, वो कहते हैं इसको सॉल्व करके 1/16 आता है। तो सबसे पहले तो ना आप लेफ्ट हैंड साइड ले लो, कॉस 20 डिग्री, कॉस 40 डिग्री, कॉस 60 डिग्री, कॉस 80 डिग्री। यहाँ से आपके पास इसकी वैल्यू है, इसको पुट करके ना पहले ही साइड पे कर दो, यानी कि इसकी वैल्यू 1/2 उसे साइड पे कर दो, बचा कॉस 20, कॉस 40, कॉस 80। अब ये प्रोडक्ट्स हैं, प्रोडक्ट्स भी आपको दो दो वैल्यूज़ के साथ दिए हुए, या तो इनके साथ लग सकते हैं या इनके साथ लग सकता है। मैं इनको चूज़ करूँगी क्योंकि जब आप प्रोडक्ट वाला लगा रहे होते तो इन्होंने एक दफ़ा अल्फ़ा प्लस बीटा होना होता है और एक दफ़ा अल्फ़ा माइनस बीटा होना होता है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा से ये 120 बन जाता है, तो 120 के लिए है ना हम थोड़ी सी वैल्यू को ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं क्या करूँगी, ज़रा कॉस 20 को भी साइड पर रख के इनको प्रोडक्ट वाले जितने भी फार्मूलाज थे ना उनके साथ आपको 2 चाहिए होता था, आप 2 से मल्टीप्लाई भी करवाते थे और 2 से डिवाइड भी करवाते थे। ये आपके पास बन गया 2 कॉस अल्फा कॉस बीटा, 2 कॉस अल्फा कॉस बीटा इक्वल होता है 1/2। अच्छा ये 1/2 ना और ये 1/2 से आप कर दो 1/4। ठीक है, हाँ जी, इसके ऊपर फार्मूला लगाते हैं, 2 कॉस अल्फा कॉस बीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फा प्लस बीटा, यानी कि 40 प्लस 80 अल्फा प्लस बीटा। उसके बाद आता है जी ये है कॉस वाला ना, तो आएगा प्लस कॉस अल्फा माइनस बीटा, ठीक हो गया। 1/4 कॉस 20 डिग्री कॉस 120 प्लस कॉस ये आएगा माइनस 40, तो माइनस 40 ख़त्म हो जाएगा, कॉस 40 बचेगा। ओके, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, अब जो कॉस 120 है ना इसकी कैलकुलेटर पे आप वैल्यू लोगे ना वो आपके पास आएगी माइनस 1/2 और प्लस कॉस 40 अपनी जगह पे, राइट। ज़रा इस वैल्यू को अंदर मल्टीप्लाई करवा दो, पहले ये वैल्यू जब इससे मल्टीप्लाई होगी तो आपके पास आएगा माइनस 1/4 2 8 कॉस 20 डिग्री, इसके साथ करवाएंगे तो क्या आएगा प्लस 1/4 कॉस 20 डिग्री कॉस 40 डिग्री।
ठीक है। अच्छा, ये वाली वैल्यू अभी ऐसे ही रहेगी, इसे हमने कुछ नहीं करना। इसके ऊपर हम दोबारा से फार्मूला लगा सकते हैं, लेकिन फार्मूला लगाने के लिए आपको इसके साथ चाहिए टू, तो हम क्या करेंगे, टू से मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा देंगे। तो डिवीजन वाला हम ज़रा साइड पे कर लेते हैं टू, और मल्टीप्लाई वाला हम इसके साथ लिख लेते हैं। वही फार्मूला है कॉस अल्फा कॉस बीटा वाला, -1/8 cos 20° प्लस ये भी 1/8 हो गया। इसके ऊपर फार्मूला हम लगाएंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे अभी हमने लगाया है कॉस अल्फा प्लस बीटा प्लस कॉस अल्फा माइनस बीटा कॉस अल्फा प्लस बीटा प्लस कॉस अल्फा माइनस बीटा, ठीक है। अच्छा, फिर आगे क्या बनता है, इस इक्वल टू ये वाली वैल्यू एज इट इज़ -1/8 cos 20°, फिर आ जाएगा +1/8 ये बनेगा cos 60 प्लस cos -20, तो वो माइनस ख़त्म हो जाएगा cos की वजह से, तो ये हो जाएगा -+20, ठीक। cos 20°, 1/8 को अंदर मल्टीप्लाई करवा दो 1/8। अच्छा, ये क्या cos 60 हो जाएगा 1/2 प्लस 1/8 cos 20, मैंने 1/8 को अंदर मल्टीप्लाई करवाया। अब ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू बिल्कुल सेम है, विद डिफरेंट साइंस, ख़त्म हो जाएंगे ये 1/8 और 1/2, ये मल्टीप्लाई होकर हो जाएंगे 1/16 विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। ओके ओके, सबसे पहले तो इन एंगल्स को कन्वर्ट कर लो डिग्री में। तो क्या एंगल्स बनेंगे आपके पास, 5/9 को निकालने के लिए 180 को 9 से डिवाइड करो, ये बन जाएगा sin 20°। 360 को 9 से करो तो आपके पास 40° बनेगा, sin 40°, ये बनेगा sin 60°। और 4 × 180 / 9 ये आपके पास बनेगा 80°। तो सबसे पहले तो हम क्या कर सकते हैं, sin 60 की वैल्यू होती है √3/2, इसकी वैल्यू लगा के इसको साइड पे कर दो पहले, sin 20°, sin 40°, sin 80°। बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन की तरह मैं पहले इन दोनों को लूँगी, क्योंकि सम करके मेरे पास 120 आएगा और उसकी वैल्यू मैं निकाल सकती हूँ। तो sin 20° को ज़रा साइड पे रखते हैं इनटू, इसको फार्मूला बनाने के लिए आपने क्या करवाना है, टू से मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाना है। तो हम डिवीजन वाले को ज़रा बाहर रखते हैं टू को, और मल्टीप्लाई वाले को हम इसके साथ लिख लेते हैं। दिस इज़ 2 sin α sin β विच इज़ इक्वल टू 1/2 को ना इससे मल्टीप्लाई करवा दो, ये हो जाएगा 4, ठीक है। और इसके ऊपर हम लगाते हैं फार्मूला 2 sin α, सही, sin α sin β के लिए आपको चाहिए माइनस, तो ये भी माइनस हो जाएगा, ठीक है। इसका फार्मूला दिस इज़ इक्वल टू cos α + β, सारे फार्मूलाज आपको लिखवाए हुए हैं, -cos α - β, -√3/4 sin 20° cos 120°, -cos -40, वो माइनस ख़त्म हो जाएगा, सिर्फ cos 40 रह जाएगा, राइट। -√3/4 sin 20° cos 180, आपके 120 आपके पास आता है, -1/2 -cos 40, इसको मल्टीप्लाई करवाते हैं अंदर, माइनस माइनस प्लस,
स्क्वायर रूट 3, 4 2 8 साइन 20 डिग्री, माइनस माइनस प्लस, स्क्वायर रूट 3/4 साइन 20 डिग्री, कॉस 40 डिग्री। अगेन इसके ऊपर फॉर्मूला लगाने के लिए ना, इसके ऊपर आपको क्या करना होगा, 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड, ठीक है। लेकिन हम यूँ कर लेते हैं, डिवाइड वाला यूँ ही रहने देते हैं, 2 वाला हम इनके साथ लिख देते हैं। अभी आपके पास बन गया 2 साइन अल्फा कॉस बीटा, 2 साइन अल्फा कॉस बीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फा माइनस बीटा, स्क्वायर रूट 3/8 साइन 20 डिग्री, प्लस ये हो जाएगा स्क्वायर रूट 3/8, इसके ऊपर फॉर्मूला हम लगाते हैं साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फा माइनस बीटा, ठीक है। अच्छा जी, ये वाली टर्म एज इट इज साइन 20 डिग्री, उसके बाद प्लस स्क्वायर रूट 3/8 साइन, ये हो जाएगा 60, और अच्छा साइन माइनस 20, तो माइनस 20 का माइनस बाहर आ जाएगा, क्यों, क्योंकि ये साइन है इसलिए, तो आप इसको लिख दोगे माइनस साइन 20, ठीक है। ये माइनस 20 आएगा, वो माइनस साइन बाहर निकाल देगा। स्क्वायर रूट 3/8 को मल्टीप्लाई करवा दो अंदर, स्क्वायर रूट 3/8 साइन 20 डिग्री, प्लस स्क्वायर रूट 3/8 साइन 60 डिग्री, माइनस स्क्वायर रूट 3/8 साइन 20 डिग्री। ये वाली वैल्यू कैंसिल, बच गई ये वाली वैल्यू, साइन 60 की वैल्यू स्क्वायर रूट 3/2, स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर 3/8 2 16, विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब जो इसका लास्ट वाला क्वेश्चन मैंने छोड़ा है ना, उसमें आप सबसे पहले अलग करोगे वैल्यू। अच्छा, ये सामने मैंने लिख दिया है, इसमें आप ना सबसे पहले इसकी वैल्यू को अलहदा कर लोगे, ठीक है। साइन 30 की वैल्यू आपके पास होती है 1/2, तो इसको सबसे पहले अलहदा कर लोगे, और फिर आपके पास बच जाएगा साइन 10, साइन 50, साइन 70, तो 50 प्लस 70 आपको 120 देता है, तो 120 की वैल्यू निकालनी आसान है। आप सबसे पहले 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करवा के, बल्कि साइन और साइन के लिए आपको माइनस 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाना होता है, पहले इन पे फॉर्मूला लगाना, फिर आहिस्ता आहिस्ता उसी तरह से वर्किंग होगी आगे, जैसे मैंने पिछले 2 सवालों में किया, ठीक है। तो इसको सबसे पहले आपने साइड पे करना है, और पहले इनके ऊपर फार्मूला लगाना है। तो ये वाला क्वेश्चन मैंने आपके ऊपर छोड़ दिया है, ठीक है। मैंने कोशिश की है कि बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को 10.4 जो है वो एक्सप्लेन कर दूँ, स्पेशली उनके लिए जिनकी मिस हो गई थी। तो अगर आपको इस वीडियो से हेल्प आउट हुआ है, आपके काम आई है, आपको समझ आई है, अच्छी समझ आई है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ताकि आपके मिस का कोई फ़ायदा भी हो, और बेल का आइकन ज़रूर दबाएँ, एक अच्छा सा कमेंट कर दें। ओके, अल्लाह हाफिज़।